हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय पाल सिंह नेगी फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल स्कूल ललोटना जौनपुर टिहरी गढ़वाल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड द एक्सरसाइजेस गिवन एट द बैक ऑफ योर यूनिट 3 एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज द इनॉर्मस टर्निप फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। सो लेट्स Begin. Marigold, Book 3, Class 3rd, Subject English, Unit 3, The Enormous Turnip. Now, we have already discussed the chapter in the previous video. Today, we will be doing the exercises and the questions given at the back. So, points to discuss today are the practices and questions given in the textbook, and anywhere if there will be any difficult words, so that also will be discussed. जहाँ पे भी कोई difficult शब्द होंगे समझाने के लिए वहाँ पे वो बताए जाएंगे और साथ में हम practice sets जो दे रखे हैं आपके questions देके रखे हुए book के पीछे वो सारी चीजें discuss करेंगे। जैसा कि पहला exercise आपका होता है reading is fun, तो reading यानी पढ़ना ये क्या है? Fun है, फन है यानी आप लोगों के लिए मजेदार चीज है। तो पढ़ना मजेदार है, रीडिंग इज फन, ये एक्सरसाइज से हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है मैरीगोल्ड बुक में, आपने देखा होगा। तो ये हम पहली एक्सरसाइज देख रहे हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट। व्हाट यानी क्या, डिड किया था, ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी ने, और उसने क्या प्लांट किया था यानी जमीन में क्या डाल करके लगाया था। तो जैसा कि आपको पता है कि जमीन में जो हम डालते हैं क्या डालते हैं, बीज डालते हैं। तो और किस चीज के बीज डाले थे ओल्ड मैन ने? सलजम के, सलजम यानी टर्निप के। सो वी विल राइट द ओल्ड मैन, द ओ एल डी ओल्ड मैन प्लांटेड, प्लांटेड यहाँ पे ईडी हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लांट का, प्लांटेड, प्लांट प्लांटेड प्लांटेड होता है, तो प्लांटेड यानी कि जमीन में डालना उगाने के लिए। द ओल्ड मैन प्लांटेड द सीड्स, सीड्स किसके, सीड्स यानी बीज, सीड्स ऑफ टर्निप, ऑफ टी यू आर एन आई पी। इस चैप्टर से एक चीज तो क्लियर हो गया कि अब आप जो है टर्निप का भी नहीं भूलेंगे कि टर्निप का मतलब सलजम होता है। तो द ओल्ड मैन प्लांटेड द सीड्स ऑफ टर्निप, ठीक हो गया। दिस इज क्वेश्चन वन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल, और ओल्ड मैन आप समझते हैं, ओल्ड मैन का मतलब बूढ़ा आदमी, पुल अप मतलब खींचना टर्निप को, तो यानी वाई का मतलब क्यों, तो क्यों डिफिकल्ट हो गया था, क्यों मुश्किल हो गया था बूढ़े आदमी को खींचना टर्निप को, तो क्यों हो गया था मुश्किल, क्या जवाब है इसका? क्योंकि वो कैसा था टर्निप, इनॉर्मस था, इनॉर्मस यानी बहुत बड़ा। तो हम आंसर लिखेंगे इट वॉज डिफिकल्ट यानी मुश्किल, डी आई डबल एफ आई सी यू एल टी, डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन, फॉर द ओल्ड, ओल्ड 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 माने बूढ़ा और यंग माने जवान, इसका अपोजिट ओल्ड एंड यंग, तो यहां पे ओल्ड आदमी था, ओल्ड मैन टू पुल अप, टू पुल अप द टर्निप, टू पुल अप द टर्निप। यहां तक तो क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है कि क्यों था, तो हमने कहा कि डिफिकल्ट था, लेकिन क्यों था इसके लिए हम शब्द लगाएंगे
Because, BECAUSE, because यानी क्योंकि. It was difficult, मुश्किल था old आदमी के लिए, to old man to pull up the turnip, because क्योंकि the turnip was enormous लिख सकते हैं या was very big in size लिख सकते हैं. तो यानी कि साइज में बहुत बड़ा था, तो हम चाहे enormous लिखें चाहे very big in size लिखें, तो मैं इसको very big in size लिख देता हूं क्योंकि enormous तो है ही, है ना. तो the turnip was very big in size size, तो very big in size का मतलब ये हो जाएगा very big in size full stop, और चाहे तो आप इसमें enormous लिख सकते हैं bracket में enormous, enormous, ये enormous को लिख बोलेंगे very big in size, तो इसका मीनिंग हो जाएगा enormous, enormous in size. So it was difficult for the old man to pull up the turnip because the turnip was very big in size. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, who helped him to pull up the enormous turnip? Help का मतलब होता है मदद करना. किसने मदद की, किसने मदद की उसकी, to pull up the enormous turnip. किसकी मदद की? बूढ़े आदमी की. तो बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए कौन कौन आता है? आपको याद होगा पहले एक बूढ़ी औरत आती है, फिर उसके बाद एक बॉय आता है, फिर लास्ट में एक गर्ल आती है. तो ये तीन और बूढ़ा आदमी मिलके चार लोग पुल करते हैं जब इनॉर्मस टर्निप को, यानी बड़े से टर्निप को, तो टर्निप निकल आता है ना. इतना बड़ा था कि उसके लिए चार चार लोग चाहिए थे खींचने के. तो हम यहां पर लिख सकते हैं एन ओल्ड वुमेन यानी महिला, एक बूढ़ी महिला, एन ओल्ड वुमेन, कोमा लगाएंगे. कोमा का मतलब हो जाता है कि के अलावा. तो एन ओल्ड वुमेन, अ बॉय यानी एक लड़का, एंड अ गर्ल, यहाँ पे अ जो है स्मॉल आएगा, अ बॉय एंड अ गर्ल, GIRL गर्ल. एन ओल्ड वुमेन, अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प्ड द ओल्ड मैन, हेल्प द ओल्ड मैन टू पुल अप, टू पुल अप द इनॉर्मस, enormous, इनॉर्मस टर्निप. फुल स्टॉप. अब यहां पे मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, यहां पे मैंने अ जो है क्या कर दिया था, कैपिटल कर दिया था, तो मैंने फिर उसको रब करके स्मॉल में किया. क्यों? आप लोगों को पता होगा कि ऐसे करके हम किसी भी लेटर को कैपिटल नहीं लिख सकते हैं. अगर वो नाउन है तब तो ठीक है, या कहीं से सेंटेंस शुरू हो रहा है जहां पे जैसे एन में अ कैपिटल है यहां पर, तो इस तरीके की चीज होगी कि जो है सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस या फुल स्टॉप के बाद शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैप में लिखेंगे, या कोई नाउन है उसके जो रूल्स हैं, तो बीच में कहीं पे भी कैप में नहीं लिखेंगे, राइट. इसलिए मैंने उसको स्मॉल किया. आई होप कि ये समझ में आया होगा. आप लोग स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं, कहीं पे भी जो है कुछ भी कैपिटल लिख देते हैं, ऐसा ना करें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ लेता हूं. हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, तो इसका आंसर लिखा एन ओल्ड वुमेन, अ बॉय एंड अ गर्ल, एक
बूढ़ी महिला, एक लड़का और एक लड़की हेल्प्ड यानी मदद करना ओल्ड मैन की टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, इनॉर्मस टर्निप को निकालने में मदद करी और लास्ट में हमने लगाया फुल स्टॉप। आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी जो है हमारा कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप एक बिंदु, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु एट द इनॉर्मस टर्निप। एट, एट का मतलब यह है ईट की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म। ईट माने होता खाना, ई ए टी ईट, ई ए टी ईट, ई ए टी ईट, ईट माने खाना। एट एंड थर्ड फॉर्म हो जाती है इसकी ईटन, तो ईट एट ईटन, ई ए टी ई एन ईटन। तो ये एट का मतलब भी खाना है, लेकिन खाना जब हम खा चुके होते हैं तो हम उसको एट बोलते हैं, ठीक है। ईट का मतलब खाना, एट मतलब खाया, तो है वो खाने के ही सेंस में, लेकिन जब आप खा चुके होते हैं तो आप एट बोलते हैं। तो हु एट यानी किसने खाया था द इनॉर्मस टर्निप, तो इनॉर्मस टर्निप किसने खाया था, तो चारों ने मिलकर के खाया था, बूढ़े आदमी ने, बूढ़ी औरत ने, लड़के ने और लड़की ने। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन, मैंने इस टाइम पे इंक ग्रीन रखी है कलरफुल बनाने के लिए, द ओल्ड मैन कोमा, फिर क्योंकि नया सेंटेंस नहीं शुरू हुआ है कोमा सेम सेंटेंस चल रहा है, इसलिए द ओल्ड वुमेन में जो है टी स्मॉल, द ओल्ड वुमेन कोमा, द बॉय, द बॉय कौन, वो जो लड़का आया था, द बॉय एंड, क्योंकि अब तीन की बात हो गई है और चार ही लोग हैं तो लास्ट वाले के लिए हम एंड लगा देते हैं, एंड द गर्ल, द गर्ल, ये द हम इसलिए लगा रहे हैं इस उसमें क्योंकि हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने निकालने में मदद की थी इनॉर्मस टर्निप को। तो ओल्ड मैन भी वही जो पहले से लगा हुआ था टर्निप को निकालने के लिए, इसलिए द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय लड़का एंड द गर्ल जी आई आर एल गर्ल, एट ए टी ई एट, द इनॉर्मस टर्निप, यू आर एन आई पी, दिस इज यू, यू आर एन आई पी, फुल स्टॉप। बूढ़े आदमी ने, बूढ़ी औरत ने, लड़के ने और लड़की ने खाया इनॉर्मस टर्निप। सो दीज वर द क्वेश्चंस इन रीडिंग इन दिस फन एक्सरसाइज। लेट्स मूव अहेड, टॉक टाइम। टॉक टाइम मतलब चलो बातें करने का समय आ गया है, टॉक माने बातें। नेम द नेम एंड नेम एंड ड्रॉ फोर वेजिटेबल्स दैट हैव to be pulled out from the earth. Now name them in your own language. तो क्या कह रहे हैं कि चार सब्जियों के नाम आपसे पूछे हैं जो हम धरती से निकालते हैं उसी तरीके से जैसे हमने टर्निप को देखा निकालते हुए। तो एक तो आंसर आपके पास है ही टर्निप, है कि नहीं। दूसरे और कौन कौन से ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम धरती से निकालते हैं, तो आपने क्या करना है उनके पर नाम लिखने हैं। तो फोर वेजिटेबल्स यानी ये चार आप बॉक्स नजर आ रहा है आपको बुक में, तो आपने इन बॉक्सेस में लिखने हैं और फिर क्या करना है उनको अपने लैंग्वेज यानी अपनी भाषा में भी उनके नाम लिखने हैं और यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, है ना। पहले नाम लिखेंगे, जैसे आपने लिखा टर्निप तो एक हो ही गया, टी यू आर एन आई पी टर्निप। दूसरा क्या हो गया, रेडिश, रेडिश यानी मूली, देन कैरेट सी ए डबल आर ओ टी कैरेट, एंड चौथा जमीन से हम क्या निकालते हैं, पटैटो पी ओ टी ए टी ओ पटैटो निकालते हैं, अनियन निकालते हैं, है ना। तो या स्वीट पटैटो भी होता है, एक स्वीट पटैटो आपकी इच्छा है, आपको जो पसंद आता है जिसका आपको डिजाइन करना है आप करें। तो सारे
बहुत सारी सब्जियां हैं जो जमीन के अंदर होती हैं, है ना, जिनको हम निकालते हैं, राइट। तो आप इनका फिर वो बना लेंगे, ड्राइंग बना लेंगे, तो दिस विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ योर होमवर्क, ये होमवर्क के काम भी आएगा। और आपकी आपकी जो ये एक्टिविटी करने से आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, तो बच्चों को कीजिएगा जरूर, मजा आएगा आपको, इट्स रियली गोइंग टू बी ए ग्रेट फन। देन लेट्स गो शॉपिंग। शॉपिंग यानी शॉप माने होता है दुकान, शॉपिंग का मतलब खरीदारी, तो चलो खरीदारी करने के लिए चले, ये सेकंड पॉइंट है। तो हाउ मेनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज, ये जो मेज दे रखा है आपको, एक पजल दे रखी है, तो इसमें कितनी वेजिटेबल आप ढूंढ सकते हैं। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आपने क्या करना है, ढूंढना है, जैसे ये एक POTATO देके रखा हुआ आपके लिए, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क के लिए है। एक हेल्प मैं आपकी कर देता हूं कि मैं भी कुछ आपको ढूंढ करके बताता हूं कि कैसे करके आप इसमें ढूंढेंगे, राइट। तो आप ये सब्जियां यहाँ लिखी हुई है, कैरेट है, पीज है, बीन्स है ना, टर्निप है, टोमेटो है एंड पोटैटो है। तो पोटैटो तो ऑलरेडी देके रखा हुआ है, तो आपको कोई भी सब्जी का नाम ढूंढना, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सपोज आपको पोटैटो ढूंढना था, तो आपने जो है यहाँ का पी पकड़ लिया और देखा कि नीचे की ओर चल रहा है, तो ये नीचे की ओर भी चल सकता है और आपका हॉरिजॉन्टल यानी कि इसके हिसाब से दाएं भी चल सकता है, राइट साइड में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सब्जी का नाम ढूंढते हैं, ढूंढिए आपको मिला नहीं मिला, जस्ट चेक आउट, दिस इज पीज, कैरेट, टमाटो, अब रह गए हमारे कौन सी, पीज हमने ढूंढ लिया है, हमने कैरेट भी ढूंढ लिया है, टमाटो भी ढूंढ लिया है, बीन्स, तो आपने पकड़ना है बी, और इससे मिल गया हमको बीन्स, ठीक है। और कोई सब्जी बची, टर्निप, टर्निप, तो ये है हमारा। इन दिस वे अगर आप खुद से करेंगे तो ज्यादा मजा आता, लेकिन चलिए मैंने आपको बता दिया है कि एडजस्ट डू इट, ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, अ गेम ऑफ अपोजिट्स। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, विलोम यानी कि बिल्कुल जो अलग, मतलब उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं, विलोम। द एंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स वेयर वन ग्रुप सेज वन वर्ड एंड द सेकेंड ग्रुप सेज द अपोजिट वर्ड। तो क्लास को दो भागों में बांटा जा सकता है, ग्रुप एक्टिविटी है कि दो ग्रुप बना लिए, एक तरफ एक रो में एक ग्रुप हो गया, दूसरी रो का दूसरा ग्रुप हो गया। अब जैसे उदाहरण के लिए किया है, पुल, पुल माने खींचना, तो सेकंड ग्रुप बोलेगा पुश यानी धक्का देना। इस तरीके की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होगी और आप लोगों को एक साथ दो दो शब्द मिलेंगे। ब्लैक, ब्लैक माने काला, तो ब्लैक का क्या हो जाएगा, तो दूसरा ग्रुप बोलेगा व्हाइट, ब्लैक का व्हाइट, ट्रू, ट्रू का मतलब सत्य, तो ग्रुप वन अगर लेकर आ रहा है ट्रू, तो ग्रुप टू बोलेगा फॉल्स यानी गलत, राइट का क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड, राइट का रॉन्ग, डब्ल्यू आर ओ एन जी, रॉन्ग। सो दिस इज हाउ द गेम गोज ऑन। इस तरीके से आप नए नए शब्दों का लेकर आइए और उसके अपोजिट दूसरे वाले कराएंगे, और टीचर भी इसमें फैसिलिटेटर की मदद कर सकता है, आपको मजा आएगा इस गेम में। सम वर्ड्स आर सजेस्टेड हियर, ये कुछ शब्द दे के रखे हुए हैं, यू मे पिक अप सम मोर वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, जैसे ये है फार, फार का नियर, फार का मतलब दूर, नियर गुड का बैड हो जाएगा, गुड माने अच्छा, बैड माने बुरा, डार्क का लाइट हो जाएगा, डार्क माने अंधेरा, लाइट माने उजाला, अप यानी ऊपर, तो अप का हो जाएगा डाउन, और ओल्ड यानी पुराना, ओल्ड का हो जाएगा न्यू। सो इन दिस वे ग्रुप बना करके आप लोग एक साथ, जब हम अपोजिट वर्ड सीख रहे होते हैं तो उसकी फायदा यह है कि आप एक साथ दो शब्दों को सीख रहे होते हैं, और जितनी वोकैबुलरी आपकी बढ़ेगी, जितना आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, उतने आप बेहतर होते जाएंगे। टीम टाइम एक्टिविटी, ग्रो अ प्लांट, प्लांट को ग्रो करना है, तो प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए,
थिंग्स रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड माने जो जिनकी जरूरत पड़ेगी, जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, अ ग्लास, एक ग्लास की जरूरत, ब्लॉटिंग पेपर चाहिए आपको, कुछ सैंड चाहिए, कुछ सीड्स चाहिए, सीड्स यानी आपको पता ही है, सीड्स यानी बीज, और बीन्स और राजमा, तो बीन्स या राजमा के बीज चाहिए क्योंकि जल्दी से उग जाते हैं। मेथड क्या है, लाइन द ब्लॉटिंग पेपर इन साइड द ग्लास, तो ग्लास के अंदर ब्लॉटिंग पेपर को रखिए एक तरफ इस तरीके से, ऐसे प्लेस द सैंड इन द ग्लास, अब सैंड डालिए, वेट द सैंड, सैंड में सैंड को गीला कीजिए, वेट का मतलब होता है गीला करना, वेट द सैंड। फोर्थ पॉइंट, प्लेस अ फ्यू सीड्स बिटवीन द ब्लॉटिंग पेपर एंड द ग्लास, तो ग्लास और ब्लॉटिंग पेपर के बीच में कुछ क्या रखिए, सीड्स रखिए, बीज रखिए, सी दैट द सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, आप देखेंगे कि आपको ये देखना है कि जो जो बीज हैं उनको अलग अलग करना है एक दूसरे से। एंड सिक्स पॉइंट इज सी हाउ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ द सीड्स ग्रो, तो आप देखेंगे कि कैसे रूट यानी जड़ें और शूट यानी जड़ से ऊपर का पोर्शन उगता है प्लांट। मेक ए फ्रेंडशिप सैलेड, दोस्ती का एक, दोस्तों के लिए एक ऐसा सैलेड बनाएं, क्या करना है आपने सैलेड बनाने के लिए, दोस्ती का सैलेड, फ्रेंडशिप सैलेड, थिंग्स रिक्वायर्ड, चीजें जो चाहिए, कैरेट्स दो, कैरेट यानी गाजर, टोमेटोज दो यानी टमाटर, पीस दो यानी मटर, टू कैसे पीस होंगे इतने में क्या होगा, टू स्पूनफुल्स, पी टू स्पूनफुल्स यानी कि दो स्पून भर करके, तो पीस यहाँ पे दाने की बात कर रहे हैं ना, एंड लेमन वन, एक नींबू चाहिए। मेथड क्या है, तरीका देखिए, वॉश ऑल द वेजिटेबल्स वेल, इन वेजिटेबल को अच्छे से वॉश कर लें यानी धो लें, कट द कैरेट्स टोमेटोज एंड लेमन, कैरेट्स को, गाजर को, टोमेटो यानी टमाटर और लेमन यानी नींबू इसको काट लें, मिक्स द पीस, पीस को मिक्स करें, कैरेट्स एंड टोमेटोज को टुगेदर यानी कि साथ में, कैरेट्स टोमेटोज एंड पीस को साथ में मिक्स कर लें, स्क्वीज लेमन जूस ऑन टॉप, लेमन को दबा करके उसका जूस उसके ऊपर डालें, एड सॉल्ट, सॉल्ट यानी नमक उसमें ऐड करें, मिक्स वेल, मिक्स करें उसको अच्छे से मिलाएं घुलाएं मिलाएं ताकि नमक उससे साथ और जो लेमन जूस है सब में बराबर फैल जाए, एंड शेयर योर सैलेड विद योर फ्रेंड्स, और ये सैलेड खाना चाहिए बच्चों, सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, सैलेड इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। चलो लिखते हैं, हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स रॉ और कुक्ड एंड से व्हाई, तो हमें ये लिखना है रॉ यानी कच्चा, रॉ यानी कच्चा, और कुक्ड यानी पकाकर, पकाकर, तो हम कैसे खाते हैं इन वेजिटेबल्स को, जैसे कैरेट है तो कैरेट को हम रॉ भी खाते हैं और कैरेट को हम कुक करके भी खाते हैं, कैरेट का हम खीर भी बनाते हैं, है ना, तो कैरेट को हम कच्चा भी खाते हैं और पका के भी खाते हैं। टर्निप, टर्निप का भी जो है हम सैलेड बना करके रॉ भी खाते हैं और पका करके सब्जी भी खाते हैं। पोटैटो, पोटैटो हम कच्चा खाते हैं, नहीं खाते हैं, तो पोटैटो रॉ नहीं खाते हैं, पोटैटो तो हम पका के ही खाते हैं। अनियन, हाँ यस, अनियन हम रॉ खाते हैं, सैलेड में भी खाते हैं और मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है अनियन, एंड कुक करके भी खाते हैं। बीन्स, यस, हम रॉ भी खा लेते हैं, खा लेते हैं, बीन्स भी अच्छी चीज है, थोड़ा बहुत बीन्स खाई जा सकती है रॉ और कुक करके भी खाते हैं, लेकिन इसमें पोटैटो एक ऐसा है जिसको हम रॉ नहीं खाते हैं, है ना। नेम फोर वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते आपने ऐसी कौन सी चार सब्जियां खाई, राइट देयर नेम्स हियर, तो आपने जो भी खाई होंगी आप उन चारों सब्जियों के यहाँ पे नाम लिख देंगे, तो आपने चार से ज्यादा खाई होंगी लेकिन फिर भी आपको चार ही के नाम लिखने हैं, है ना, और अगर आप चाहें तो जितनी आपने खाई हैं आप सब लिख सकते हैं लेकिन चार जरूर लिखें, और दिस इज वेरी गुड एक्टिविटी। कंप्लीट दीज कॉलम्स, तो ये कॉलम्स हैं, जैसे वन यानी सिंगुलर है एक वचन, मैनी के लिए क्या आएगा, तो कैरेट यानी गाजर प्लूरल में हो जाता है
कैरेट्स एस लग गया, टर्निप का हो जाएगा करेक्ट टर्निप्स, जैसे कैरेट्स हो गया ऐसे टर्निप्स, अनियन का हो गया अनियंस ओ एन आई ओ एन एस अनियंस यानी प्याज, तो ज्यादा प्याज है तो अनियंस, वेयर यू कैप्ट द अनियंस। लेकिन पटेटो 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 यानी आलू का हो जाता पटेटोज, तो उसमें ओ के बाद ई एस लगा देखिए, और टमाटो का भी ऐसे होता है उसमें भी ई एस लग जाएगा, तो खाली एस नहीं लगेगा ई एस लगेगा, तो टी ओ एम ए टी ओ ई एस टमाटोज टमाटोज। तो किसी में एस लग रहा है किसी में ई एस लग रहा है, ध्यान देंगे आप, और शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कंफ्यूजन होगा कि कहाँ पे एस कहाँ पे ई एस लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे और फिर आप गलतियां नहीं करेंगे, राइट। ठीक है बच्चों, वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार। वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, एक शब्द औरों से सेट से अलग है, आपको ढूंढना है कि वो कौन सा है, उसमें सर्कल करना है कि वो ऑड वन आउट कौन सा है, ठीक है। तो जैसे यहां दे रखा है टर्निप पटेटो टमाटो सनफ्लावर कैरेट ब्रिंजल, तो आप देखिए कि जो है कि सारे की सारी क्या है सब्जियां हैं, लेकिन एक आ गया फ्लावर, तो क्ल्यू दे रखा है कि वेजिटेबल, सपोज ये सारे वेजिटेबल्स हैं, तो सर्कल किसमें होगा सनफ्लावर में, क्योंकि ये फ्लावर है बाकी तो वेजिटेबल है। इसी तरीके से हमारे पास है काउ गाय, हॉर्स घोड़ा, गोट बकरी, फॉक्स लोमड़ी, कैंगेरू एंड मेलन, तो क्ल्यू दे रखा एनिमल्स, तो सारे के सारे एनिमल्स हैं, तो मेलन क्या है जैसे वाटरमेलन है, तरबूज है ना, आप गर्मियों में खाते हैं, खूब सारा पानी होता है उसके अंदर और सेहत के लिए अच्छा होता है, तो बाकी सारे एनिमल्स हो गए, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हैं चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल है, लेकिन एक हो गया हमारी हमारा फ्रूट, तो वो अपने आप ही ऑड मैन आउट हो गया, ठीक हो गया, इसलिए हमने उसको इनसर्कल कर दिया। नाउ बनियन यानी बरगद का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, मैंगो, स्नेक एंड एप्पल, तो बाकी औरों के तो पेड़ होते हैं लेकिन यहाँ पे क्या आ गया स्नेक आ गया है ना, तो स्नेक को हम इनसर्कल करेंगे, बाकी क्ल्यू दे रखा था ट्रीज है, तो जो ट्रीज है वो साथ साथ होंगे, बाकी जो अलग है वो ऑड मैन आउट है। इसी तरीके से रोज गुलाब लिली फूल है, सनफ्लावर फूल है, लोटस फूल है, कॉलीफ्लावर, तो अब क्ल्यू क्या दे रखा है फ्लावर्स, तो कॉलीफ्लावर क्या है, नाम तो फ्लावर है लेकिन है क्या ये, है तो ये सब्जी, कौन सी सब्जी है ये, फूल गोभी कॉलीफ्लावर। देन फिफ्थ वन पीकॉक पैरट, पीकॉक यानी मोर, पैरट यानी तोता, लिजर्ड यानी छिपकली, क्रो यानी कौवा एंड वुड पैकर कठफोड़वा, तो क्ल्यू दे रखा बर्ड्स, तो यानी बर्ड्स साथ में होंगी, तो अलग कौन है, बाकी जो बर्ड्स हैं तो उनके विंग्स भी होते हैं यानी पंख होते हैं, तो क्या लिजर्ड के होते हैं, लिजर्ड तो घर में छिपकली होती है और आप लोग डरते भी हैं, लिजर्ड हो गया, कई बच्चे जो है लिजर्ड को देख के डरते हैं, स्पाइडर्स को देख के डरते हैं एंड इवन कॉकरोच को देख के डरते हैं, जो नहीं डरना चाहिए, इतने छोटे से जानवर क्या करेंगे आपका, हाँ लेकिन लिजर्ड जो है बहुत खतरनाक भी है, ये पॉइजनस होता है, अगर खाने में पड़ जाए तो मतलब समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा, तो बाकी सारे के सारे क्या है इसमें बर्ड्स हैं और लिजर्ड यानी छिपकली वो क्या है दैट इज ऑड मैन आउट यानी अलग है औरों से, ऑड मैन आउट यानी औरों से अलग। Now the last exercise of this book or this chapter, I could say, is इसको जोर जोर से इन शब्दों को बोलना है ना, मुंह खोल करके, तो जितना मुंह खोलेंगे उतना बेहतर, तो मेरे साथ बोलेंगे, पहला है pull, say pull, pull, तो pull का मतलब खींचना, full, 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 पुल के बाद फुल है, फुल का मतलब पूरा कंप्लीट, पुट, पुट माने कोई चीज रखना, पुट माने रखना, कूल, 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 कूल माने ठंडा, रूट, 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 रूट माने जड़, शूट, 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 कट, कट,
कट माने काटना, बट एंड शट माने बंद कर देना, जैसे शट द डोर, बंद कर दो। ठीक है प्यारे बच्चों, सो द पॉइंट्स विच वी डिस्कस्ड इन दिस एक्सरसाइज द इनॉर्मस टर्निप आर, वी हैव डिस्कस्ड द प्रैक्टिसेस एंड द क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक, एंड जहां पे भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे मैंने कोशिश करी आपको समझाने की ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड द एक्सरसाइजेस एंड द क्वेश्चंस गिवन एट द बैक ऑफ योर यूनिट 3 द इनॉर्मस टर्निप, एंड आई होप दैट यूड एंजॉय दीज एक्सरसाइजेस। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि जो जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं आप लोगों की लैंग्वेज को लेकर के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, तो आप इन एक्सरसाइजेस को सीरियसली करें। चैप्टर भी पढ़ना है, समझना है, अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, लेकिन साथ साथ इन एक्सरसाइजेस के ऊपर काम करें, बार बार करें। नहीं समझ आता है तो अपने टीचर से पूछें, कुछ भी करें, लेकिन इन एक्सरसाइजेस को सीरियसली लें। राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।